एक आई कभी अपने बच्चों को छोड़कर गई है, जो जो आज जाएगी। सेठ जी, बीमार मर गई। क्या सच में मर गई? हाँ सेठ जी, बीमा भाई मर गई। चल फिर महाराज जी को बताते हैं। चलिए सेठ जी। या मंगेश, कहाँ जा रही थी इतनी रात को भागे भागे? पंडित जी, भीमा बाई मर गई। हैं? सच में? हाँ। और यही खबर महाराज जी को देने जा रहे हैं। आखिरकार ईश्वर ने न्याय कर ही दिया है। चलो मैं भी चलता हूँ। आइए जी। राम जी, सांस से काम लो। कैसे सांस से काम लो? यही तो मेरी सांस थी, छोड़कर चली गई। तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। छोटे छोटे बच्चों की आई का गुजर जाना बड़ी हृदय विदारक बात होती है। उन बच्चों का संसार ही बिखर जाता है और फिर उनका कोई संसार कभी बन ही नहीं पाता। ठोस जमीन के बिना जिस तरह से कोई भी पेड़ कभी मजबूती के साथ खड़ा ही नहीं रह पाता, उसी तरह से कोई भी इंसान मजबूती से कभी खड़ा नहीं रह पाता। हमारा सबसे कठोर प्रहार करने का समय आ गया है और इस बार किसी भी हालत में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति साक्षात ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाई है। भीम बेटा चुप हो जाओ, तुम तो इतने साहसी हो और इतने समझदार हो, तुम ही ऐसे रोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी आई हम सबको छोड़कर चली गई है, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन हम सबको जाना होता है। नहीं काका, आपको नहीं पता क्या ऐसे ही करते हैं। जब भी मुझसे नाराज होते
समझ नहीं रहा है भीम, तुम्हारी आया हमें छोड़कर चली गई है, कभी वापस नहीं आएगी। सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे। हमारी आई, हमारी आई नहीं बोल सकती, हमारी आई हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। भीम, आई पुरंजन, अंतिम संस्कार की तैयारी करो, सुबह होने वाली है। हाँ। बस बस बस, बहुत हो गया रोना धोना, अब चुप भी हो जाओ, बस करो। अरे देख क्या रहे हो, सुना नहीं तुम लोगों ने राम जी ने क्या कहा? अंतिम संस्कार की तैयारी करो, चलो चलो। राम जी, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु का हमें बड़ा दुख है। तुम लोग अपनी गलतियों से ही मर रहे हो, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, है? बस इसीलिए चले जाए, अफसोस जताने और हमदर्दी दिखाने नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। और रही बात इंसानियत की, तो पहले आप जाकर सीख लो कि इंसान किसे कहते हैं। देखो देखो इसको, अरे सूबेदार, ये सूबेदार के कपड़े पहनने से तू फिर से सूबेदार नहीं बन जाएगा, रिटायर्ड का रिटायर्ड ही रहेगा। ईश्वर ने इतनी बड़ी सजा दी है तुझे, फिर भी तेरे तेवर नहीं बदल रहे। चलिए सेठ जी, कोई मरे चाहे जिए, हम ही क्या करना, चलिए आइए। अंतिम संस्कार की तैयारी करो पुरंजन। हाँ।
भीमराव, अपने गुरुजी की बातों पर विश्वास है ना? तुम बात को समझो। जैसे तुम परीक्षा देते हो और बाद में परिणाम आता है, वैसे जीवन की तमाम परीक्षाओं का परिणाम है ये मौत। आज तुम्हारी आई को ये परिणाम मिला है, कल मुझे और परसों तुम्हें। जीवन का यही अंतिम सत्य है बेटा। भीम, तेरी आई ने पूरी जिंदगी बहुत संघर्ष किया है, मुश्किल से उसे सुकून मिला है। जाने दे उसे बेटा, छोड़ दे उसे, जाने दे भी भाई को, जाने दे। हाँ भीमराव, अगर तुम ऐसे रोते रहोगे और इनको जाने से रोकोगे तो ये अपनी अंतिम यात्रा पर बहुत ही दुखी मन से जाएंगे। बेटा, तुम्हारी आई अब इस दुनिया से स्वतंत्र होकर एक अनंत यात्रा पर जा रही है। और किसी की यात्रा में हम बाधा नहीं बन सकते ना। तुम्हारी आई को उठाने दो, उसे रोको मत। लेकिन बाबा, आई को देखने का मन करेगा तो? मन की आंखों से देखना। क्योंकि तुम्हारी आई अब तुम्हारे भीतर होगी। मन से आवाज दोगे ना तो वो तुम्हें दिखेगी। तुम्हें हर कदम पर साथ मिलेगी। बेटा, तुम्हारी आई मरी नहीं, अमर हो गई। अमर हो गई है। जलाओगे कहाँ? वही जहाँ हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ तो हम नहीं जलाने देंगे। इस महिला की लाश अगर तुम वहाँ जलाए तो पूरे गांव का वातावरण दूषित हो जाएगा। जाओ, ले जाओ, कहीं और जाके जलाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आज से पहले हमारी जात के किसी व्यक्ति की लाश को इस गांव में जलाया ही नहीं गया। लेकिन किस औरत की लाश को हम यहाँ जलने नहीं देंगे। की औरत इस राम जी सतपाल की पत्नी इस भीमराव की आई है। इन दोनों ने हमेशा हमारी सामाजिक व्यवस्था को दूषित किया है। और इस औरत ने जीते जी हमेशा इन दोनों को बढ़ावा दिया है। इसलिए इस औरत की लाश को तो हम अपने गांव में नहीं जलने देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, नहीं जलने देंगे।
पानी सर से ऊपर बहने वाली बात हो गई है। हम भी देखते हैं कौन रोकता है हमें। हम भी देखते हैं कि तुम सब कैसे अपनी मर्जी का करते हो। आ जा। तो आप लोग देखिए, आज हम आपसे उलझना नहीं चाहते, और रहा सवाल ये कि आप अपने इलाके में मेरे पत्नी को जलाने नहीं देंगे, तो चलिए हमारे साथ और चलते चलते जहां आप कह देंगे वहां मैं मेरी पत्नी को जला लूंगा। और अगर चलते चलते आपको ये बात समझ में ना आए कि आपका इलाका कहां तक है, तो चलिए हमारे साथ जीवन पर, और मैं भी अपनी पत्नी की लाश जीवन पर कंधे पे उठाकर चलता रहूंगा। राम जी शांत हो जाइए। राम जी सेठ, इन सबको गांव के बाहर कहीं पहुंचा दो। पर ये इतना भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। महाराज ये आप कहां चले आए? ये स्थान आपके लायक नहीं है महाराज। लेकिन यहां किसी की मृत्यु हुई है। राम जी हम इसकी आत्मा की शांति के लिए स्वयं चले आए, और इसकी शांति के लिए हम स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। नहीं चाहिए आपकी शांति प्रार्थना। जब तक मेरी आई थी तब तक आपके कारण ही अशांत रही, इसलिए नहीं चाहिए आपकी शांति प्रार्थना। चलिए बाबा। जाओ जाओ, गांव के बाहर जो बंजर जमीन है ना वहां पे चलाना, वरना